ये है 2022 की लेटेस्ट मॉडल हीरो स्प्लेंडर प्लस ऑल ब्लैक कैनवास एडिशन। ऑल ब्लैक कलर में ये बाइक आज की डेट में सबसे ज़्यादा सेल होती है। इस बाइक में क्या क्या नए अपडेट हुए हैं, माइलेज क्या है, टॉप स्पीड क्या है, ऑन रोड कीमत क्या है, वारंटी कितने साल की मिलती है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सबसे पहले फ्रंट लुक की बात करें तो यहाँ पर आपको ग्लॉसी फिनिश मिलती है, जिसके ऊपर आपको हीरो स्प्लेंडर प्लस का स्टिकर मिल जाता है और मल्टी रिफ्लेक्टर हेलोजन हेडलाइट का सेटअप मिलता है 35 वाट के हेलोजन बल्ब के साथ। फुली फ्लेक्सिबल इंडिकेटर मिल जाते हैं जिसमें 10 वाट का हेलोजन का बल्ब का इस्तेमाल किया गया है। इस बाइक का जो आगे वाला मडगार्ड है वो यहाँ पर आपको फाइबर का मिलता है, जिसमें फुल ग्लॉसी ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया गया है। सेफ्टी के लिए इसमें आपको IBS इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। अगर आप इसकी पीछे वाली ब्रेक को अप्लाई करते हैं तो इसकी आगे वाली ब्रेक भी एक साथ अप्लाई होती है। यहाँ पर आपको मीटर केबल का सेटअप मिल जाता है और दोनों साइड में आपको रिफ्लेक्टर मिलते हैं। इसके फ्रंट में 80/118 के ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं, 18 इंच के ब्लैक कलर के अलॉय व्हील और टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर टाइप के सस्पेंशन दिए हैं। इसके साइड प्रोफाइल की बात करें तो इस बाइक में आपको पूरा का पूरा ऑल ब्लैक कलर मिल जाता है। थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको क्रोम मिलता है, क्योंकि ऑल ब्लैक कलर में इस बाइक की रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छी लगती है। हीरो का यहाँ पर आपको स्टिकरिंग मिल जाती है, जबकि एक्सटेक वेरिएंट में आपको 3D में हीरो का लोगो मिलता है। स्प्लेंडर प्लस यहाँ पर आपको 3D में मिलता है और I3S का नीचे में आपको स्टिकर मिल जाता है। 9.8 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिलती है और यहाँ पर आपको अब कस्टमर केयर का नंबर मिलता है। अगर आपकी कोई भी बात नहीं सुनी जाती है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हीरो इसमें फ्यूल सेविंग के लिए I3S टेक्नोलॉजी देता है। जब आप रेड सिग्नल पर होते हैं तो आपकी जो बाइक का जो इंजन है वो तुरंत बंद हो जाता है कुछ सेकंड के बाद। जैसा कि आप देख सकते हैं इंजन बंद हो चुका है, तो बाइक को स्टार्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा क्लच को प्रेस करना है और बाइक का जो इंजन है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाता है कुछ इस तरह से। दोस्तों अब मैं आपको दोबारा भी दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं फिर से इसका जो इंजन है वो बंद हो चुका है और दोबारा से इसको स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लच को प्रेस करना है और इसका जो इंजन है वो तुरंत स्टार्ट हो जाता है, तो जिससे काफ़ी अच्छा माइलेज मिलता है। यहाँ पर आपको साइड स्टैंड की वार्निंग, ITS की वार्निंग, यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, इकोनॉमी जोन मिलता है। अगर आप इसी जोन में बाइक को चलाते हैं तो 70-75 का माइलेज अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर और गियर न्यूट्रल इंडिकेटर और चेक इंजन की लाइट और हेडलाइट की इंडिकेटर, यहाँ पर आपको फ्यूल गेज मिल जाता है और यहाँ पर आपको USB मोबाइल चार्जिंग पोर्ट मिलता है। अगर आप इस बाइक से कहीं लॉन्ग राइड करते हैं तो आप बाइक को चलाते चलाते समय भी अपने मोबाइल को चार्ज कर पाएंगे। यहाँ पर आपको साइड मिरर, इसमें आपको पासिंग स्विच नहीं मिलता है, अपर डिपर इंडिकेटर और ऑन का स्विच दिया गया है। तो दोस्तों अब मैं आपको इसके इंजन के और इसके एग्जॉस्ट के साउंड को चेकआउट करा देता हूँ। तो यहाँ से आप इसके एग्जॉस्ट के साउंड को चेकआउट कर सकते हैं। इसके सबसे बड़े बदलाव की बात करें तो कंपनी ने अब इस बाइक की जो सीट है वो कम्प्लीटली बदल दी है, क्योंकि अब इसकी जो सीट है वो काफ़ी अच्छी कुशन के साथ है, काफ़ी मुलायम है। 785 mm की सीट हाइट मिल जाती है और इसके टूल बॉक्स के ऊपर आपको पावर स्टार्ट और प्रोग्रामेड FI का स्टिकर मिलता है और यहाँ पर आपको ऑक्सीजन सेंसर, स्पार्क प्लग और हीरो की ब्रांडिंग मिल जाती है और किक स्टार्ट का लीवर। कंफर्टेबल यहाँ पर आपको ब्रेक पैड मिलता है जिससे आपके जूते चप्पल ना जलें। कैटेलिटी कन्वर्टर मिल जाता है और 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। रबर के यहाँ पर आपको एडजस्टेबल फुटरेस्ट मिल जाते हैं जो कि काफ़ी कंफर्टेबल हैं और सेफ्टी के लिए यहाँ पर आपको एक क्रैश गार्ड मिल जाता है क्रोम का। इसमें 97.2 cc का एयर कूल्ड फोर स्ट्रॉक सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड इंजन दिया है। ये इंजन 8.02 PS की पावर देता है 8000 RPM पर और 8.05 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 6000 RPM पर। इसमें 95 km/h की टॉप स्पीड मिल जाती है और 70-75 km/l का माइलेज देती है। इसके एग्जॉस्ट के ऊपर आपको काफ़ी लॉन्ग सा यहाँ पर आपको एक मफलर गार्ड मिल जाता है क्रोम के साथ और यहाँ पर आपको एडजस्टेबल फुटरेस्ट मिल जाते हैं जो कि थोड़े से राउंड में है। इसके रियर में 5-step एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन दिए हैं जिसको 5 times एडजस्ट कर सकते हैं। 80/118 के ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं और 18 इंच के ब्लैक कलर के अलॉय व्हील और सीट काउल के ऊपर आपको कोई भी ग्राफिक्स नहीं मिलता है। अगर आप चाहें तो इस बाइक में अलग से भी ग्राफिक्स लगवा सकते हैं जिसमें आपको 1300-1400 rupees देने पड़ते हैं और यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत सामान कैरी करने के लिए बड़ा सा कैरियर मिल जाता है, हेलोजन टेल लाइट, हीरो का स्टिकर, हेलोजन इंडिकेटर। जैसा कि ये 22 वाला मॉडल है तो आप इसकी डेट को देख सकते हैं, 2 June 2022 की इसकी मैन्युफैक्चरिंग की डेट है, मतलब कि ये जो बाइक है वो 15 दिन पहले बनकर आई है और आप इसका लेटेस्ट वाला ही मॉडल अभी आप देख रहे हैं। इसके दूसरी साइड में चलें तो यहाँ पर आपको कंपनी फिटेड ब्लैक कलर का एक साडी गार्ड मिल जाता है जो कि काफ़ी कम्फर्टेबल है।
इसका जो चेन सेट कवर है वो यहाँ पर मेटल बॉडी का दिया गया है, और दूसरी साइड में भी आपको सेम स्टिकर 3D के एमले मिल जाते हैं। इस बाइक में आपको प्रोग्रामेड FI फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिलता है। इस बाइक में आपको 1.5 से 2 लीटर पेट्रोल आपको रिजर्व करके रखना पड़ेगा। अगर आप इस बाइक में 40, 50, 60 रुपए की पेट्रोल को भरवा कर डेली डेली चलाते हैं तो इसका जो फ्यूल पंप है वो ख़राब हो जाएगा और आपको 10 से 15 हज़ार का नुकसान हो सकता है। यहाँ पर आपको 4 गियर का मैनुअल सेटअप मिलता है, 4 गियर मिलते हैं, और साइड स्टैंड के ऊपर आपको इंजन कट ऑफ का सेंसर मिल जाता है जो कि 2022 का लेटेस्ट अपडेट है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से चाबी को ऑन कर लेता हूँ, और साइड स्टैंड इसका डाउन है और यहाँ पर आपको वार्निंग भी मिल रही है। तो सबसे पहले सेल्फ को दबाकर बाइक स्टार्ट हो चुकी है, और जैसे ही मैं इसमें क्लच को दबाकर गियर को डालता हूँ तो इसका जो इंजन है वो तुरंत कट ऑफ हो जाता है, मतलब कि बंद हो जाता है। ये एक सेफ्टी फीचर्स के लिए काफ़ी अच्छा फीचर्स है जो आपको बहुत ही कम बाइक में कम्यूटर सेगमेंट में इस टाइम देखने को मिलता है। तो प्राइस की बात करें तो हीरो स्प्लेंडर प्लस ऑल ब्लैक कैनवास एडिशन में इस बाइक की ऑन रोड कीमत है 86,300 रुपये, 86,300 रुपये, जो कि मैंने आपको हाईटेक हीरो BIP रोड बागुआटी कोलकाता शोरूम की बताई है। स्प्लेंडर प्लस ऑल ब्लैक कैनवास एडिशन की जो कीमत है वो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक के वेरिएंट से 3,100 रुपये ज़्यादा है। अगर आप भी अपनी सिटी की ऑन रोड कीमत जानना चाहते हैं तो आप अपनी सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना, मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।